तो अब हम लोग का सेमिनार जो है एंड हो चुका है। चलिए आज हम लोग बच्चे से पूछते हैं फीडबैक कैसा लगा उनको आज का सेमिनार अटेंड करके, कैसा वो महसूस कर रहे हैं। तो आइए आप बच्चे लोग से थोड़ा इंटरेक्ट होते हैं, पूछते हैं पर्सनली उनसे जाके। मॉर्निंग, आई एम जेनी। दीपक सर का आज सेशन हुआ था हमारे कॉलेज में। थैंक्स फॉर दीपक सर, आप हमारे कॉलेज में आए और हम लोग को इतना बताया। आपके साथ इंटरेक्ट होकर बहुत अच्छा लगा। हम लोग को ऐसा लगता था कि यूपीएससी कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, बट आप आए, आपने इतने गाइडेंस दिया, बताया क्या करना है कैसे करना है, और बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने आपसे पूछे, आपने बताया। थैंक्स फॉर गाइडेंस। और आपके पहले तो करेज थोड़ा कम था, लेकिन अब जान के अब और मोटिवेशन आया कि वी विल डू अप और अच्छा कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, और प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे कॉलेज में आने के लिए। आई एम नेहा कुमारी फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट पटना कॉलेज। आज दीपक सर आए थे कॉलेज में और पर्सनली वो हम लोग से इंटरेक्ट किए और हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे यूपीएससी को लेके वो सब क्लियर किए। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। थैंक यू सर। माय नेम इज साक्षी कुमारी एंड आई एम अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। सर से मिलके मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला जो लाइफ में एंड इवन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में काफ़ी काम आएगा और मेरी हेल्प करेगा। सर से फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। आज दीपक सर का सेशन था, उसमें जो भी क्यूरी था उन्होंने अच्छे से क्वेश्चन को मतलब हल किया, सॉल्व किया, और उनसे जो सीखने को मिला मतलब ऐसा पहले नहीं हुआ था किसी से बात करके क्वेश्चन डाउट उतना क्लियर नहीं हुआ था, पर दीपक सर से बात करने के बाद सारा डाउट क्लियर हो गया। दिस इज सुजीत कुमार पार्क फ्रॉम जियोग्राफी डिपार्टमेंट सेमेस्टर 4। हमने सर से बात किया, हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे मन में जो भी क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो गए। सर ने यूपीएससी को लेकर भलीभांति से उसको समझा है और उन्होंने हमारे क्वेश्चन को मतलब बताया, जिससे हमको लगा कि हाँ हम भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। हमें सर से बात करके अच्छा लगा, हमारे जो भी मन में क्वेश्चन थे वो सब क्लियर हो गए। हाय, आई एम शमा फातिमा फ्रॉम पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। आज दीपक सर की सेशन था तो उसमें हम लोगों ने मेनली सिविल सर्विस के बारे में बातें की, जिसमें बहुत सारे जो चैलेंजेस होते हैं और कई सारे प्रॉब्लम कैसे उसको हम लोग क्रैक कर सकते हैं, उसमें सब्जेक्ट और सिलेबस सारे जितने भी डाउट्स होते हैं माइनर से लेकर बड़े सारे, वो सभी हम लोगों को इजीली समझा सके सर, और हम लोग भी बहुत ईजिली अब कोई डाउट नहीं है। और ये जो आज का सेशन है ये लाइफ टाइम के लिए और हम लोगों के एग्जामिनेशन में भी बहुत यूज़फुल होगा। थैंक यू सर, दीपक सर आप आए, अच्छा लगा हम लोगों को। थैंक यू। हम लोग का सेमिनार जो था वो दीपक प्रकाश सर के साथ था और उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया सभी चीज़ों को, और उन्होंने बताया कि यूपीएससी तो ऑल ओवर सबको ही जानता है कि कैसे करना है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है मोटिवेशन, कि आप कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा चीज़ है। वो लाखों लोग मतलब यूपीएससी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ये नहीं कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखें। व्हाई यू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम, सो That's the reason behind it. You will crack. Thank you. My name is आशा सिंह। आज मैंने जो सेशन किया सर के साथ वो बहुत इंटरेक्टिव था और बहुत मैंने जो जितना भी अब तक देखा था कैरियर जितना भी इश्यूज वो सब मैंने देखा और मैंने बहुत अच्छे से सर की बातों पर ध्यान दिया और इट वॉज वेरी बेनिफिशियल। सर ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि यूपीएससी का बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया सर ने। ऑप्शनल्स के बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा, उसमें भी सर ने बहुत अच्छे से बताया। फिर देर वेर लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स लाइक न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए या फिर हमारा बेस कैसे होगा। देन सर एंसर्ड वेरी वेल, सर ने बोला था कि हमें एनसीईआरटी से हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए एंड देन उसके बाद हमें जो रिसोर्सेज है उस पर जाना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।